दोस्तों, यह एक पूरा एक नेटवर्क की तरह यह काम चल रहा था, जिसमें सरकार के अधिकारी, उनके सहायक, अनाज के व्यापारी और जो प्राइवेट मिल मालिक होते हैं वो भी इसमें शामिल थे। आखिर पूरा राशन का स्कैम क्या है, आपको कैसे धोखा दिया जा रहा है, पंजाब हरियाणा के खेतों से अनाज कैसे आपके घर तक पहुंचाया जाता है, ये सारी डिटेल आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देश भर में 19 ठिकानों पर CBI की रेड। भारतीय खाद्य निगम यानी FCI घोटाले के मामले में CBI का छापेमारी अभियान। के मामले में CBI ने बुधवार को एक बड़े ऑपरेशन के तहत ताबड़तोड़ छापेमारियां की हैं। CBI ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में 50 अलग अलग ठिकानों पर रेड की, जबकि इस घोटाले के तहत खराब और घटिया किस्म के अनाज को अच्छी क्वालिटी का बताकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ठेका देने और बिल पास करने के बदले लाखों रुपए लिए जा रहे थे। ये पूरे राशन के स्कैम या फिर घोटाले का मामला क्या है, इसे जानने से पहले दोस्तों ये जानते हैं कि आपके घर के पास में जो राशन की दुकान होती है वहाँ पर आपके पास जो गेहूँ, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल पहुँचता है वो कहाँ कहाँ से घूमकर आप तक पहुँचाया जाता है। ये सब एक सिस्टम के थ्रू होता है जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नाम दिया जाता है। ये कोई आज का सिस्टम नहीं है दोस्तों, ये काफ़ी पहले से चला आ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में जब अंग्रेज युद्ध में व्यस्त थे तो उनके सैनिकों के लिए अनाज की कमी होने लगी थी और उस टाइम पर भारत में भी पैदावार काफ़ी कम हुआ करती थी, इसीलिए अंग्रेज़ों ने 1945 में यह सिस्टम शुरू किया, जिसको 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद इसमें काफ़ी सारे बदलाव किए गए जो आज भी जारी है। दोस्तों, जो भारत आज विदेशों को अनाज बेचता है वही भारत 1960 से पहले विदेशों से ही अनाज खरीदा करता था, क्योंकि भारत में पैदावार काफ़ी कम हुआ करती थी, इसीलिए हम अमेरिका जैसे देशों से भी अनाज मंगाया करते थे, क्योंकि हम बाकी देशों पर अपने खाने के लिए निर्भर थे, इसीलिए हमें बाकी देशों की कई सारी बातें माननी पड़ती थी। यहाँ तक कि जब वियतनाम और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा था तो भारत ने वियतनाम के लिए सिंपैथी दिखाई तो अमेरिका ने भारत को अनाज देने के लिए काफ़ी नखरे दिखाए, जिसके बाद भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मनिर्भरता की बात होने लगी। इसी के बाद 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति या फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है, जिसमें बहुत सारे उर्वरकों या फिर फर्टिलाइज़र का यूज किया जाता है, अच्छे बीजों का यूज किया जाता है और भारत में जो सिंचाई प्रणाली थी उसको भी और इम्प्रूव कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद भारत में अनाज की पैदावार काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन दोस्तों भारत इतना बड़ा है और पूरे भारत में जलवायु भी सेम नहीं है, कहीं पर बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, कहीं पर मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है तो कहीं पर कम उपजाऊ है, इसलिए पूरे भारत में अनाज की पैदावार नहीं बढ़ी। तो सरकार ने इसके बाद दिमाग लगाया कि आखिर कैसे सभी जगहों तक अनाज पहुँचाया जाए, इसीलिए सरकार ने 1965 में FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नामक एक संस्था का स्थापना की। दोस्तों, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम, जहाँ जहाँ भारत में अनाज ज़्यादा होता था वहाँ के किसानों से, मिल मालिकों से और व्यापारियों से उस अनाज को खरीद लेती थी और भारत के उन क्षेत्रों में पहुँचाती थी जहाँ पर अनाज कम होता है, और सरकार ने जो किसानों से अनाज खरीदा जाता था उसके लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दी, यानी एक न्यूनतम मूल्य तय कर दिया, जिसको MSP भी कहा जाता है। MSP को अगर सरल भाषा में समझें तो सपोज अगर सरकार ने 2023 में गेहूं के लिए 2500 रुपया पर क्विंटल MSP फिक्स कर दिया, तो इसके बाद अगर कोई भी किसानों से उनका अनाज खरीदता है तो उसको 2500 रुपया पर क्विंटल से ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा, इससे कम वो पे नहीं कर सकता क्योंकि इसको सरकार ने न्यूनतम घोषित कर दिया है। यह सब इसलिए किया गया ताकि किसानों को उनकी फसल का सही रेट मिल जाए और अगले साल भी वह खेती करने के लिए उत्साहित रहें। 2023 की बात करें तो अभी वर्तमान में लगभग हर साल सरकार के द्वारा लगभग 24 फसलों के लिए MSP घोषित किया जाता है, जिसमें अनाज के अलावा दाल और तेल के बीज भी इसमें शामिल किए गए हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसी न्यूनतम मूल्य पर किसानों से उनका सारा अनाज खरीद लेता है, जिसके बाद वह अपने गोडाउन्स में और वेयरहाउस में उसको स्टोर करता है, जिसको बफर स्टॉक कहा जाता है। इस बफर स्टॉक में जो खर्चा आता है, यानी किसानों से अनाज खरीदने का खर्चा, इसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और बफर स्टॉक को मेंटेन करने का जो खर्चा आता है उसको केंद्र सरकार उठाती है। इसके बाद फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इस बफर स्टॉक से अनाज भारत के सभी राज्यों में भेजता है और केंद्र शासित राज्यों में भेजता है।
यह सब अनाज केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को काफ़ी कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है, जिसको सेंट्रल इश्यू प्राइस कहते हैं। राज्यों के पास जैसे ही यह अनाज पहुंच जाता है तो उसके बाद का आगे का कार्य सारा राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार सबसे पहले तो अपने पूरे राज्य में राशन की दुकानें खोलती हैं, जिसको टेक्निकल भाषा में फेयर प्राइस शॉप भी कहा जाता है। जो आपके पास राशन कार्ड होता है वह भी राज्य सरकारों के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकारें ही यह डिसाइड करती हैं कि इस योजना के अंतर्गत किस किस व्यक्ति को और किस किस परिवार को अनाज दिया जाएगा। यह सारा काम राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार कहीं लोगों को महंगा अनाज बेचना शुरू ना कर दे, इसके लिए यह नियम बनाया गया कि राज्य सरकारों को केंद्र के द्वारा जिस रेट पर अनाज उपलब्ध कराया गया उसमें राज्य सरकार केवल 50 पैसे ही ऐड कर सकती है, यानी 50 पैसे पर केजी ही रेट राज्य सरकार उसमें बढ़ा सकती है। लेकिन अधिकतर राज्य सरकारें इससे कम रेट पर ही उपलब्ध कराती हैं, क्योंकि उनको भी अपने अगले इलेक्शन में जीतने के लिए यह करना पड़ता है। दोस्तों, ये था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लेकिन सरकार इसमें भी समय के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार चेंजेस करती रहती है। जैसे पहले से जो गांव के इलाके थे, पहाड़ी क्षेत्र थे और दूर दराज के इलाके हुआ करते थे, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का उतना अच्छा सिस्टम नहीं हुआ करता था, इसलिए वहां तक अनाज पहुंचाने में कठिनाई होती थी, जिसके कारण वहां पर यह योजना उपलब्ध नहीं थी। लेकिन 1992 में सरकार ने इसी सिस्टम के अंतर्गत PDS का अगला चरण यानी RPDS शुरू किया, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अलावा इन सभी क्षेत्रों में, गाँव में, हिली एरियाज में जो जो क्षेत्र छूट चुके थे वहाँ पर भी इस योजना को शुरू किया गया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी भारत में काफ़ी सारे गरीब लोग ऐसे थे जिन पर विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत थी, इसीलिए सरकार ने 1997 में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर ही टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू किया। इस टारगेटेड PDS के अंतर्गत भारत के सभी परिवारों को दो भागों में बांटा गया। जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा सही थी उनको APL नाम दिया गया, और जिनकी आर्थिक स्थिति इनके मुकाबले थोड़ा कम सही थी उनको BPL नाम दिया गया, यानी जहाँ पर गरीबी ज़्यादा थी उनको BPL नाम दिया गया। इसलिए टारगेटेड PDS के अंतर्गत BPL वाले परिवारों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। लेकिन दोस्तों, समस्या यहाँ पर समाप्त नहीं हुई। भारत में उस समय गरीबी आज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। नेशनल सैंपल सर्वे की एक रिपोर्ट के अनुसार उस समय भारत में 5% लोग ऐसे थे जो दो वक्त की रोटी भी सही से नहीं खा पाते थे, और उनको अक्सर रात को भूखे पेट सोना पड़ता था। इसीलिए सरकार ने सन 2000 में अंत्योदय अन्न योजना नामक स्कीम शुरू की, जिसमें जो सबसे गरीब तबका था उसको ज़्यादा राशन दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे सिस्टम को देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि वाव, कितना अच्छा सिस्टम है। लेकिन दोस्तों, सिस्टम तो अच्छा है, लेकिन हर जगह कुछ लोग ऐसे निकल ही जाते हैं जो भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। 2022 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार, यानी वैश्विक भुखमरी सूचकांक के अनुसार, भारत 121 देशों में 107वें नंबर पर था, जो काफ़ी ख़राब रैंकिंग है। दोस्तों, सरकारें अपना पूरा एफर्ट लगाती हैं कि लोगों तक राशन पहुंचाया जा सके, और वह FCI को फंड भी अलॉट करती है, लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सरकार का काफ़ी ज़्यादा पैसा खा जाते हैं। CBI ने ऐसे स्कैम करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन कनक स्टार्ट किया, जो 6 महीने तक गुप्त रूप से चला, यानी 6 महीने तक इस ऑपरेशन के बारे में किसी को भनक तक भी नहीं पड़ी। और 6 महीने के बाद जनवरी 2023 में CBI ने FCI के कई सारे ऑफिसेस में छापा मारा। ये वही FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो केंद्र सरकार की ओर से किसानों से अनाज खरीदती है। CBI ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई सारे क्षेत्रों में छापा मारा, जहां से किसानों से अनाज खरीदा जाता था। इसके बाद CBI ने एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया, जिसके बाद 74 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसमें 34 लोग फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारी थे, और 3 अधिकारी तो इसमें सेवानिवृत्त भी शामिल थे। अन्य लोगों में अनाज के व्यापारी और प्राइवेट मिल मालिकों के खिलाफ भी केस इसमें दायर किया गया। इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैनेजर और टेक्निकल असिस्टेंट जैसे अधिकारी शामिल थे, जिनके पास से करीब 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश मिला, बहुत सारी ज्वेलरी इनके पास से मिली, और 3 करोड़ से ज़्यादा को इसमें फिक्स डिपॉजिट की रिसिप्ट भी इनके पास पाई गई। यहाँ तक कि दोस्तों, 15 लाख रुपये टेक्निकल असिस्टेंट की वॉशिंग मशीन में भी पाया गया। दोस्तों, ये लोग काफ़ी लो क्वालिटी का अनाज खरीद लेते थे, जिसकी परमिशन सरकार ने नहीं दी थी। इसके बदले में ये व्यापारियों से और मिल मालिकों से काफ़ी सारा रिश्वत लिया करते थे। इसीलिए पाया गया कि पंजाब और हरियाणा में जितना अनाज हुआ था उससे ज़्यादा खरीदा गया था। आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि जितना अनाज हुआ उससे ज़्यादा खरीद लिया गया?
क्योंकि इन लोगों ने फेक स्लिप बनाकर सरकार को ये दिखाया कि हमने इतना अनाज खरीदा और जो पैसे सरकार के द्वारा इनको दिए गए थे वो सब इन लोगों ने खा लिए। दोस्तों ये सब एक बड़े सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता था। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो बड़े अधिकारी थे उन लोगों ने निचले स्तर के अधिकारियों को ये काम दिया था कि जो भी प्राइवेट मिल मालिकों के ट्रक आपके पास आएंगे आपको हर ट्रक से 4,000 रुपये की रिश्वत लेनी है। इसके बाद इस 4,000 रुपये की रिश्वत को दो भागों में बांटा जाता था। एक तो जो लोकल अधिकारी थे वो आपस में बांट लेते थे और दूसरा इसका पैसा सेंट्रल पूल में जाता था। सेंट्रल पूल का मतलब जो बड़े अधिकारी थे उनके पास जाता था और एक लेबल के अनुसार अधिकारियों के रैंक के अनुसार ये पैसा अधिकारियों को बांटा जाता था। 4,000 रुपये की रकम हर ट्रक के लिए आपको कम लग रही होगी लेकिन FCI के डिपोट पर हजारों की संख्या में प्राइवेट ट्रक्स आते हैं अनाज को बेचने के लिए। इस प्रकार अगर 4,000 रुपये हर ट्रक से लिए जाए तो यह अमाउंट करोड़ों में जा रहा है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का विवादों और भ्रष्टाचार से काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है। न्यूज़ 18 की वेबसाइट में 9 जनवरी 2006 को एक खबर पब्लिश हुई थी कि CBI ने 2006 में 4 राज्यों में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के विरुद्ध छापेमारी की थी क्योंकि तब इनके ऊपर राइस स्कैम का आरोप लगाया जा रहा था। 3 नवंबर 2011 को टाइम्स ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर भी एक खबर छपी थी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो भर्तियां हुई थी उसमें भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। अगली खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की ही है जो 2012 की है जिसमें पश्चिम बंगाल में कई सारी गेहूँ की खेपें पकड़ी गई जो FCI के गोडाउन से ब्लैक मार्केट की जा रही थी। इसी प्रकार 2018-19 की बात करें तो इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक खबर छपी थी कि कैग ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों को 56 करोड़ के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के लिए फटकार लगाई। दोस्तों इसके अलावा भी काफ़ी सारी चिंताजनक बातें हैं, जैसे 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपये का कर्जा है जो स्मॉल सेविंग फंड लोन के रूप में है। इनके स्टोरेज सिस्टम को लेकर भी टाइम टाइम पर काफ़ी सारा विवाद होता रहता है। यह इतना अनाज खरीद लेते हैं कि इनके पास स्टोर करने के लिए जगह नहीं होती है, जिसके बाद वह अनाज या तो सड़ने लगता है या फिर कीड़े मकोड़े और चूहे उसको खा जाते हैं। ज़्यादा अनाज खरीदने के कारण जो प्राइवेट जो मार्केट्स होती हैं वहाँ पर अनाज नहीं पहुँच पाता है और वहाँ पर जो अनाज आता है गेहूँ चावल आता है उसकी रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जिससे महंगाई भी बढ़ने लगती है। इन सभी कमियों को दूर करने के लिए सरकार को और प्रयास करना चाहिए। ऐसा ही एक कदम वन नेशन वन राशन कार्ड के रूप में सरकार ने शुरू किया था। और कोरोना की बात करें तो कोरोना में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया। जब लोगों के पास काम नहीं था और माइग्रेंट वर्कर अपने घरों में वापस लौट रहे थे तो उस समय अनाज की कमी हो सकती थी, लेकिन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको काफ़ी अच्छे से हैंडल किया जिसकी सराहना की जानी चाहिए। तो दोस्तों ये था भारत का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो इसी के साथ यह टॉपिक कम्प्लीट होता है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।